बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 179 और बीजेपी 184 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, यानी ज्यादातर सीटों पर अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और कुछ ही सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। इस बीच एक लेटेस्ट सर्वे ने बताया है कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सर्वे एबीपीसी वोटर ने किया है। सर्वे की माने तो इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ वापसी होती हुई नजर आ रही है। एबीपीसी वोटर के लेटेस्ट ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 110 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के जीतने के अनुमान है। बीजेपी को 114 से 124, कांग्रेस को 67 से 77 और अन्य के खाते में 5 से 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 45% वोट शेयर मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 42% और अन्य के खाते में 13% वोट शेयर जाने का अनुमान है। इस सर्वे में राजस्थान के 5 रीजन में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये भी बताया गया है। यदि मारवाड़ की बात करें तो यहाँ की कुल 61 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 35 से 39 सीट मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 19 से 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वोट शेयर की यदि बात करें तो बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 42% और अन्य को 13% वोट मिलने का अनुमान है। यदि बात ढूंढार रीजन की करें तो यहां पर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अंतर मामूली ही है। पूर्व सीएम सचिन पायलट इसी रीजन से आते हैं। सर्वे की माने तो यहां 58 सीटों में से कांग्रेस को 27 से 31 और बीजेपी को 25 से 29 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 44% और अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जाने का अनुमान है। मेवाड़ रीजन में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे की माने तो यहां की कुल 43 सीटों में से बीजेपी को 31 से 35 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 5 से 9 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यदि वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के खाते में 50% वोट शेयर जाने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को 37% और अन्य के खाते में 13% वोट शेयर जाने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक शेखावटी रीजन में कांग्रेस आगे है। इस रीजन में 21 सीटों में से कांग्रेस को 10 से 14, बीजेपी को 6 से 10 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा 46% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी को 41% और अन्य को 13% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। इसके अलावा यदि बात हाड़ौती रीजन की करे तो यहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां कुल 17 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी को सबसे ज्यादा 12 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को यहां 1 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 51%, कांग्रेस को 44% और अन्य को 5% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। अब तक जो भी ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये सर्वे कहीं ना कहीं कांग्रेस को टेंशन देने वाले हैं। खैर, ये तो ओपिनियन पोल है, असली नतीजे तो 3 दिसंबर को ही आएंगे। आपका इस सर्वे को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।